घर पर ही हिना मेहंदी अपने बालों के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट के हम हमारी वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले आप अपने ऊपर एप्रन डाल लीजिए। आपके पास एप्रन नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं ताकि आपके कपड़े गंदे ना हो। उसके बाद अपने बालों में अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए और हाथों में हैंड ग्लोव पहन लीजिए। आपके पास हैंड ग्लोव नहीं है तो आप पॉलिथीन का भी यूज कर सकते हैं। कटकियां निकालने के बाद हमें पानी का स्प्रे जरूर लगाना है। पानी का स्प्रे लगाने की वजह से क्या होगा, हमारी जो मेहंदी है हम अच्छे से अप्लाई कर सकेंगे, फिर बाल हमारे एकदम रुखे से हो जाते हैं तो हम मेहंदी को अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते, बाल खींचने लगते हैं। तो पानी लगाएंगे तो बाल हमारे खींचेंगे नहीं, हमें परेशानी भी नहीं होगी और हमारे सेक्शन भी अच्छे से हो जाएंगे। तो एक स्प्रे लेके अच्छे से ऐसे करके हल्का हल्का हमें स्प्रे करना है, बहुत ज्यादा गीले नहीं करते हैं बालों, हल्का हल्का ऐसे से स्प्रे कर लीजिए और इस पानी को अपने हाथों से ऐसे लगा लीजिए। अब हमारे हेयर हो गए तैयार मेहंदी लगाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक पार्टीशन करना है, सेंटर पार्टीशन। अपने हाथों से भी कर सकते हैं या फोन से भी कर सकते हैं। ये मैंने साइड से पार्टीशन कर लिया है। उसके बाद में हमें ये जो क्राउन एरिया है यहाँ पे हमें सेक्शन निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने सेक्शन निकाल लिया है। मेहंदी को हमें हमारे जड़ों से ही अच्छे से लगाना है। मेहंदी बहुत फायदेमंद होती है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए। हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ हो गया है तो उसके लिए वो सारा खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें मेहंदी को हमारे जड़ से ही अप्लाई करनी है पूरी लेंथ पर। मेहंदी में मैंने दही भी डाला है, कल रात को ही मैंने मेहंदी भिगो के रखी थी। मेहंदी कैसे भिगानी है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। फिर उसको ऐसे पूरा लेंथ तक होने के बाद पूरा ऐसे बीच में ऐसे उंगली रखो और ऐसे जुड़ा बना दीजिए ऊपर। बाद में वापस उसके ऊपर मेहंदी लगा लीजिए ताकि वो हमने जो जुड़ा बनाया है वो टाइट हो जाए, वो छूटे ना। मेहंदी को मैंने लोहे के बर्तन में भिगोया है ताकि मेहंदी अच्छे से काली हो जाए। अब इसके साथ वाला सेक्शन हमें लेना है, उसको भी अच्छे से जड़ों से ही मेहंदी लगा के पूरे लेंथ तक।
स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे मेहंदी लगाएंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा मेहंदी लगाना, किसी की हेल्प लेने की भी जरूरत नहीं है। तो आप खुद भी ऐसे ट्राई करिए स्टेप बाय स्टेप मेहंदी लगा के, और मुझे शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको आप 2 से 3 घंटे के लिए रख सकते हैं। अगर ज्यादा गहरा रंग चाहिए तो आपको कम से कम 3 घंटा तो रखना ही चाहिए। लेकिन ध्यान रखना कि मेहंदी लगाने के बाद आपको धूप में नहीं बैठना है, मेहंदी को सुखाना नहीं है, फिर आपको वॉश करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके ऊपर आप शावर कैप भी लगा सकते हैं। शावर कैप लगा के आपको कोई भी काम करना आसान हो जाएगा। सोना है तो आप आराम से सो भी सकते हैं। 3 घंटा उसको आराम से रहने दीजिए, उसके बाद में ठंडे पानी से इसको वॉश कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, इसको वॉश खाली ठंडे पानी से करना है, शैम्पू आप दूसरे दिन करना है। और इसको वॉश करने के बाद अच्छे से ऑयलिंग करना है, कोई भी ऑयल लगा लीजिए, सरसों का लगाइए, कोकोनट ऑयल, अच्छे से मालिश करो और दूसरे दिन शैम्पू कीजिए। आपके बालों का रंग भी अच्छे से रहेगा, टिका रहेगा, ज्यादा दिन तक टिकेगा और बाल आपके बहुत शाइनी हो जाएंगे, ड्राइनेस आपकी बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप ये ट्राई करके जरूर देखिएगा।